Jumbo. Har Har Mahadev Jumbo. Har Har Mahadev Jumbo. ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के इस परम पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। इस संबंध में एक पौराणिक कथा भी है। उसके अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि के सृजक करता हैं और विष्णु पालन करता। दोनों में यह विवाद हुआ कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। उनका यह विवाद जब बढ़ने लगा तो तभी वहां एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। उस ज्योतिर्लिंग को वे समझ नहीं सके और उन्होंने उसके छोर का पता लगाने का प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हो पाए। जब दोनों देवता निराश हो गए तब उस ज्योतिर्लिंग ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं शिव हूं, मैंने ही आप दोनों को उत्पन्न किया है। तब विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की महत्ता को स्वीकार किया और उस दिन से शिवलिंग की पूजा की जाने लगी। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, लेकिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी महाशिवरात्रि कही गई है। इस दिन शिवोपासना भुक्ति एवं मुक्ति दोनों देने वाली मानी गई है, क्योंकि इसी दिन अर्धरात्रि के समय भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। अंततः यही कहना चाहता हूं कि जटाओं में गंगा जी को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तथा तीसरे नेत्र वाले, कंठ में कालपाश तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल है जिनके, और भक्तगण बड़ी श्रद्धा से जिन्हें शिव शंकर, शंकर, भोलेनाथ, महादेव, त्रिपुरारी, सदाशिव तथा अन्य सहस्त्र नामों से संबोधित कर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। ऐसे भगवान शिव एवं शिवा हम सबके चिंतन को सदा सदैव सकारात्मक बनाए रखें, ऐसी मनोकामना है। ओम नमः शिवाय।